जी कह चुके थे। देखिए प्रॉब्लम तो है ही, उसमें कोई डिनाइंग नहीं है, बट एट द सेम आप यूटर्न ले रही हैं प्रियंका जी। नहीं यूटर्न होता है जब मैं कहूँ कि मैं आपको 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में दूंगी और फिर मुकर जाऊँ। तो देख रहा है ना किसके अकाउंट में कितना आ रहा है सर। हाँ तो अभी थोड़ा रुझानों पे बात नहीं करते, रिजल्ट्स पे बात करेंगे अमन जी। गौरव भाटिया 159 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 56 और राजस्थान 107, ये आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा है। लेकिन ज्यादा उम्मीद की आपने। लोकसभा की हम बात कर लेते हैं क्योंकि अगर इन सीटों को हम इन सीटों गौरव के पास जा रहे हैं। गौरव बोलिए। देखिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि जनता ने कमल के फूल पे निशान लगाकर ये सिद्ध कर दिया है कि कमल का फूल ही उनके लिए सब कुछ है। और इस वक्त एक चर्चा जरूर होनी चाहिए, अभी हमें 2 घंटे इंतजार जरूर करेंगे, लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी जी को कोस रहे थे, अब शब्दों का उपयोग कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ने की राजनीति करी है। ये सिद्ध हो गया है कि सबसे बड़ी जाति और जिसका सशक्तिकरण नरेंद्र मोदी जी कहते हैं करेंगे, वो जाति है महिला, युवा, गरीब और किसान। और जो ये तोड़ने का काम करते थे घमंडिया के सारे दल, उनका हश्र देखिए। लोग कह रहे थे कि कांग्रेस को करंट लगेगा, ये कहना गलत नहीं होगा अमीश जी, अमन जी, इनका तो ट्रांसफॉर्मर ही फूक गया है। और साथ में आप वहां पे पापी आपकी प्रवक्ता बैठी थी, अब उनको ये नहीं पता है कि अंदर से तो खुश हैं, चेहरे पे वो खुशी लानी है या नहीं लानी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इनके नेता कोसते हैं और यहां पे बैठ के बता रहे घमंडिया एक है। अरे घमंडिया का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है तो सकारात्मक राजनीति का है। महिलाओं को जिस तरह से लाडली योजना में मध्य प्रदेश, आज आप मानते हैं सकारात्मक राजनीति है महिलाओं को बेसिक इनकम देना, आज आप मान रहे सस्ता सिलेंडर, बीच में कौन बोल रहा है सस्ता सिलेंडर, आप मान रहे जिसने आपने जिनको याद किया, बीच में कौन बोला है, आपने जिनको याद किया वही बोल रहे हैं। आप बार बार हमारा नाम ले रहे थे तो हम आ गए, पापी आपकी प्रवक्ता है। अरे इनके पाप का घड़ा फूटने जा रहा है। अरे गौरव जी बताइए ना, आज सिलेंडर कितने का मिलेगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में? आप ये बताइए कहां आप लड़ा रहे हैं आज भी? तुम इतना, मैं आपके लिए अर्ज कर देता हूं, शक तकर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते हैं, ये इनका हाल है। कोई शक तकर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते हैं, आंखें सूखी हैं, अंदर से कितना रो रहे हैं सोचिए। अस्तित्व एक सीट का नहीं है, और मेरे चेहरे पे भी आपको खुशी देखी थी 2 मिनट पहले, या मैं अंदर से रो रही हूं? मुझे आपसे डिसाइड तो कर लीजिए, आपकी कोई बराबरी नहीं है भाई। आप तो कट्टर बेईमान हैं, हम लोग कट्टर ईमानदार हैं। ठीक है, ठीक है, ये मुझे लगता है कि अब बराबरी वालों को बाहर आना चाहिए। लेकिन अगर 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 इनको थोड़ा सा एक सेकंड, मुझे मुक्ति दे दीजिए आप दोनों से, आप दोनों हमारे सम्मान, ये प्रदूषण वाला जनरेटर आपने क्यों बुलाया है? कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मर क्या फूटा? गौरव जी यू मेड योर पॉइंट प्रियंका। अरे आप ये वर्सेस वर्सेस आज ना कराइए, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में अमीश जी। देखिए जैसे टक्कर तो नंबर वन है, देखने को मिल रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी नंबर वन पार्टी देखने को मिल रही है, वो है सबसे बड़ी गारंटी है, वो टक्कर देखने को मिल रही है, समूचा विपक्ष बड़ी गारंटी है, जान लीजिए। लेकिन टक्कर एक हो रही है कांग्रेस राजस्थान में और कांग्रेस मध्य प्रदेश में, कौन आगे निकलता है? लेकिन वहां पे भी राजस्थान आगे निकलता हुआ, मध्य प्रदेश कांग्रेस राजस्थान पीछे, कांग्रेस मध्य प्रदेश पीछे होती हुई। यानी अगर हम सीट्स की बात करें तो कांग्रेस को राजस्थान में 75 और मध्य प्रदेश में 67 सीट्स मिल रही है, लेकिन अगर हम लोकसभा में इन सीट्स को कन्वर्ट करते हैं तो बीजेपी करीब करीब 44 से 46 सीटें जीत सकती हैं आज के संदर्भ में। और अभी ये नरेंद्र मोदी का चुनाव नहीं है, जब नरेंद्र मोदी का खुद का चुनाव होगा तो कितना बड़ा असर डालेगा वो भी देखने वाली बात होगी। इसीलिए ये जो पूरी हिंदी पट्टी में कांग्रेस का सफाया हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सनातन को लेकर जो अपशब्द कहे गए, मैं फिर कह रहा हूं, वो पूरे इंडिया गठबंधन पे 2024 के चुनाव पे भारी पड़ने वाला है। देश की जनता माफ नहीं करती, ये बात सोच के रखनी चाहिए थी। जब सनातन को गाली दी जा रही थी तो सब चुप थे, हर इंडिया अलायंस का नेता चुप था, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन अमीश वो कर्नाटक में काम कर गया था, मतलब वही जो सनातन को गाली वाला फॉर्मूला था, या एंटी हिंदू अपीजमेंट वाला था, मुझे याद है सतीश जारकीहोली ने हिंदू शब्द गंदा से लेकर उस सब की शुरुआत की थी कर्नाटक चुनाव। लेकिन सनातन को एरेडिकेट की बात करने लग गए,
सनातन को इरेडिकेट करने की बात करने लग गए। 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार होगा, आप प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, उसके बाद आप चुनाव पे जाएंगे। और यह आपको मैं बता रहा हूं, यह मुद्दा समाप्त होने वाला नहीं है 2024 के चुनाव। आपको लगता है कि एक तरीके से इसकी काट समाप्तता ओबीसी का सेंसस थी? मैं सीरियस सवाल आपसे ले रहा हूं। यह कहा जा रहा था कि भाई 80% का तो पता नहीं, 20 एकजुट है और 80 डिवाइडेड होगा, और डिवाइड करने के लिए ओबीसी कास्ट सेंसस सब कुछ करने की कोशिश की गई, वो भी उल्टा पड़ा। ओबीसी का भी बंपर वोट बीजेपी को मिल रहा है। अश्विनी एक मिनट सुन ले, राजस्थान में भी आ रहे हैं आप, प्रभारी थे आगे आ चलो साइड हो जाओ। बड़ी 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 खबर, बहुत बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में एक मंत्री को छोड़ के सारे मंत्री पीछे चल रहे हैं, पूरी कैबिनेट हार रही है। भूपेश बघेल भी पीछे, भूपेश बघेल अपना चुनाव हार रहे हैं। बहुत बड़ा खेल हो गया छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर समूची कैबिनेट पीछे है। क्या पॉपुलर सीएम नहीं थे भूपेश बघेल? अब यह सवाल पूछा जाएगा। और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। टीएस सिंहदेव, पिछली बार मैं फिर कह रहा था, मैंने ये एग्जिट पोल के दिन भी कहा था, मैंने कल भी कहा था कि लास्ट टाइम चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, सरगुजा का इलाका, चरणदास महंत का इलाका, वहां कांग्रेस को बढ़त थी क्योंकि सबको उम्मीद थी कि ये लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री का अपना चुनाव हारना ये बहुत बड़ी खबर है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव हारना अमन अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। एंड भूपेश बघेल वॉज कंसिडर्ड अ पॉपुलर सीएम। गौरव आपका ही रिएक्शन इस पे ले लेते हैं। दो सवाल, एक तो सीएम का खुद हारना, भूपेश बघेल पूरी कैबिनेट का हारना, एक मंत्री को छोड़कर पूरी कैबिनेट पीछे चल रही है, नंबर एक। नंबर दो, ओबीसी का दिल खोल कर बीजेपी को वोट देना। देखिए ये अप्रत्याशित नहीं है, ये उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री वहां हारेंगे, और हमारे इंटरनल सर्वे भी ये दिखा रहे थे। मैं खुद छत्तीसगढ़ में था, मैं वजह बता दूं आपको। सबसे पहले आप याद करिए महादेव घोटाला, भूपेश बघेल मतलब भ्रष्टाचार, उनकी खुद की सचिव सौम्या, उनकी गिरफ्तारी होना, युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करना, और पीएससी घोटाला होना। आपको मालूम है ये मुद्दा उठाया किसने? ये मुद्दा उठाया था भाजपा के विधायक ने, किसानों को कहना कि कर्जा माफ होगा लेकिन कर्जा माफ ना करना। इसके साथ जहां जहां मौका लगा वहां वहां घोटाला किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया, ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है। और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे, भूपेश पे भरोसा लोगों का कम हो गया, और सबसे बड़ी बात गृहमंत्री ने आप पर भरोसा जताया था, आपको अंडर करंट पता था सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था, और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास समानता लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडरकरंट है, और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर आप बैकफुट पे थे एकदम से, आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से जो बिल्कुल बैकफुट पे थे, अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसी थी, कौन किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने करिए कि भूपेश बघेल के चेहरे को रिजेक्ट कर दिया गया है, जैसा आपको बताया गया कि पूरी कैबिनेट चुनाव हार रही है, भूपेश बघेल अपना चुनाव हार रहे हैं। इसमें बता दूं मैं, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता जीतू पटवारी अपना चुनाव हार रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन बड़ा सेटबैक। और बीजेपी का राजस्थान में नंबर अब ऊपर जाता हुआ 110 को टच करता हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर 55 और मध्य प्रदेश के अंदर 160 का आंकड़ा टच होता हुआ। अमन, राजस्थान में 109, मध्य प्रदेश में 160, छत्तीसगढ़ में 55। मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान तो नहीं, छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? ये बीजेपी तो क्लियर कह रहे थे कांग्रेस जीत गई, ये बीजेपी का ही नैरेटिव था 3 महीने पहले तक। हाँ। कि हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं, नैरेटिव सारा
सारा का सारा कब्जा है भूपेश बघेल साहब पर। लगता है भूपेश बघेल साहब या तो ओवर कॉन्फिडेंस में मात खा गए। पूरी कैबिनेट हार रही है, एक को छोड़कर पूरी कैबिनेट पीछे आई। ये बड़ा रिजेक्शन है, बड़ा रिजेक्शन। दूसरी शायद एंटी इनकम्बेंसी को वो पढ़ नहीं पाए होंगे। बीजेपी ने 55 नए चेहरे दिए थे अमन, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी बीजेपी की। 55 नए चेहरे थे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। हो सकता है जो इस्टेब्लिश्ड नेता हो, जो चुनाव लड़ रहे हो, उनसे ज्यादा भरोसा जनता ने इन पर जताया, क्योंकि छत्तीसगढ़ आगे बढ़ नहीं पाया। एमपी में 160, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 160 ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये मुझे लगता है कि उनकी 135 प्लस तो सब बात करने लगे थे वोटिंग के बाद, लेकिन 160 अगर पहुंच रहे हैं 150 तो ये बहुत अच्छा है। और अमीश जो लगातार सुबह से कह रहे हैं ना कि राजस्थान में भी ना हारी तो है कांग्रेस, उतनी बुरी तरह नहीं हारी। जब सत्ता की अदला बदली का इतिहास है तब भी बीजेपी 109 पे रुक गई। अमिताभ, राजस्थान में आप बीजेपी के नेताओं से बात करते होंगे, और मैं 2-3 बारी इस चुनाव के दौरान राजस्थान गया और अधिकतर काफी नेताओं से मिला, तो बोला अमीश भाई इनके कांग्रेसी फॉर्च्यूनर में आएंगे, दिस लाइन आई एम जस्ट कोटिंग देम, लेकिन दैट इज नॉट हैपेंड। क्या इंटरनल फाइट बीजेपी की थोड़ा बीजेपी को पीछे कर रही है? अदरवाइज बीजेपी का नंबर 120 प्लस होना चाहिए था, यहाँ पर 125 प्लस होना चाहिए। 109 पे रुक गई ना बीजेपी भी। अमित, ये हम लोगों ने पूरा का पूरा कैंपेन देखा है, कैसे अमित शाह के हाथ में कमान दी गई, कैसे प्राइम मिनिस्टर के रोड शोज और प्राइम मिनिस्टर के रैलियां प्लान की गई, कैसे वहां के लॉ एंड ऑर्डर को इशू बनाया गया। अमित शाह बार बार यही कहते थे कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का ही एक इशू है जो हमारी नैया पार करा देगा राजस्थान में। तो मुझे लगता है कि वर्कर्स का बाहर निकलना, भरोसा होना जीत पे, जी मोदी गारंटी, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो जीत दिला रही हैं, लेकिन जनता को सलाम। चुनाव का पलटा, बड़ा अपडेट, गौरव बल्लभ जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो अपनी सीट से अब पीछे चल रहे हैं, पहले आगे थे लेकिन अब पीछे चल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग अपडेट ये है, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर अगर कोई है तो वो है छत्तीसगढ़, जहां पर पूरी कैबिनेट लगभग पीछे है। कवासी लखमा एक मंत्री है जो सिर्फ आगे चल रहे हैं, कवासी लखमा पिछड़े हैं, और कवासी लखमा और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की मंत्रिमंडलों में आपस में बातचीत नहीं होती थी। सबीना के पास कुछ आंकड़े हैं, उनके पास भी मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन बड़ी खबर छत्तीसगढ़ है जो अंडरलाइनिंग है कि बीजेपी को वहां जो जीत मिल रही है ये एक बहुत बड़ी जीत है, और राजस्थान में बीजेपी का नंबर अब बढ़ता हुआ 109 की तरफ जाता हुआ, और बीआरएस है अब तो बीआरएस 44 और कांग्रेस 63। कांग्रेस को बढ़त तेलंगाना में अच्छी खासी मिल गई है। अब रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो सोनहट से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छत्तीसगढ़ से पीछे चल रही हैं। अंबिकापुर से